एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक्सेल स्प्रेडशीट में डाटा सॉर्ट कैसे किया जा सकता है और डाटा सॉर्ट करते समय हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हम इस वाले वीडियो में सीखेंगे कि एक्सेल के अंतर्गत हम कैसे डाटा सॉर्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो एक्सेल होता है, जो इसमें स्प्रेडशीट है, उसमें जो फीचर्स हैं इसके कुछ, उसके बारे में बताऊँगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑन ए वर्कशीट में कितने होते हैं। तो यहाँ पे दे रखे रोज कितने, 1, 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा रोज बनाए जा सकते हैं और 16,384 कॉलम इसके अंदर होते हैं। कॉलम की जो विड्थ है मैक्सिमम 255 करेक्टर हो सकती है, रो की हाइट हम 409 पॉइंट्स रख सकते हैं। तो अब हम कि मैंने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी रोज और कॉलम के बारे में, अब हम एक डाटा शीट तैयार करेंगे जो मैंने यहाँ पे पहले से बना रखी है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ हमने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, इसमें कुछ लड़कियों के नाम है, कुछ लड़कों के नाम है। इसको मैंने कैरेक्टर वाइज बॉयज़ और गर्ल में बांट दिया है। जैसे अंजलि नाम है, ये लड़की का है, ऋतु भी लड़की का है, और जैसे मोहित है बॉयज़, ये लड़के का है। मार्क्स इनके जो आए हैं, जो हमने यहाँ पे टाइटल बताया है, स्टूडेंट मार्क्स इन द मैथ सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के जो जो मार्क्स आए वो यहाँ पे हैं। अब हम इसमें बॉयज़ और गर्ल्स के आधार पर शॉर्ट करेंगे, हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स के आधार पर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट करते समय हमें कुछ सावधानी भी बरतनी होती है कि ये हमारी एक ओरिजिनल फाइल हम शॉर्ट करेंगे तो ये डाटा आगे पीछे हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर इसकी कॉपी हम यहाँ पे बना लेंगे स्प्रेडशीट की। तो हम यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करेंगे इसको, तो जैसे आप राइट क्लिक कर रहे थे मूव और कॉपी, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉप कर देंगे। यहाँ पे शीट वन आ रहा है, यहाँ पे आएगा क्रिएट ए कॉपी। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसकी कॉपी बन गई है। तो हमारे पास एक ओरिजिनल फाइल ये पड़ी है और इसकी कॉपी ये पड़ी है। इसको हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम रीनेम कर देते हैं इसको न्यू कॉपी डेटा। तो हमने इसको न्यू नेम कॉपी डेटा कर दिया। आप इन टैब को कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये ग्रीन सा आ रहा है, इसको मैं यहाँ से टैब कलर यहाँ से मैं इसका चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं रेड कलर भी कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं बड़ा सुंदर लग रहा है, हल्का सा रेड कलर आ रहा है। जब मैं इसको क्लिक करूँगा ये पूरा रेड दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर डाटा सॉर्ट करेंगे। हम इसमें लड़कियों के नाम को अलग कलर कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि कौन सी लड़कियां हैं और कौन से लड़के हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कर दिया कि हम लड़कियों के आगे हम ब्लू कलर में उनके नेम लिख रहे हैं और लड़कों के हमने ब्लैक रखे हैं। तो 4 लड़कियां हैं हमारे पास और 6 लड़के हैं। अब हम इसको फॉर्मेट वो शॉर्ट करेंगे डाटा को। तो हम पूरा सेलेक्ट कर लिया, हमने हेडर छोड़ दिया ऊपर का, बाकी सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम चले जाएंगे ये इसमें A to Z असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने क्लिक करा तो आप देख रहे हैं पहला नाम आकाश आ गया, फिर अंजलि आ गया, फिर भानु आ गया, लास्ट में विनय आ गया। तो ये सॉर्टिंग हो गया है डाटा, जो आपको दिख रहा है छोटे से बड़े की तरफ हम जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। अगर आप चाहते हैं कि पहले असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए, जेड पहले आ जाए, जेड वाले मतलब बड़े वाले वर्ड पहले आ जाए और ए वाला पीछे चले जाए, तो इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें विनय ऊपर चले गया, सुनीता और ये सारे डाटा चेंज हो गया और ये नीचे आ गया। ऐसे इनके साथ जो नंबर्स थे ये भी मूव कर जाएंगे अपने आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम यहाँ पे कंडीशनल सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मेरे को केवल लड़कियों के डाटा अलग करने हैं और लड़कों के अलग, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको फिर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर यहाँ पे देखा है कस्टम सॉर्ट, यहाँ से हमें और ज़्यादा कमांड मिल जाएंगे, अपने ज़रूरत के अनुसार हम उसको
चेंज कर सकते हैं डिफॉल्ट। तो यहाँ पे देखो सॉर्ट बाय कॉलम को किस आधार पे हमें सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमें बॉयज़ गर्ल्स के आधार पे करना है या स्टूडेंट के आधार पे मार्क्स, तो हम गर्ल्स बॉयज़ के आधार पे करेंगे कि कितने हमारी गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं। तो उसको मैंने जैसे क्लिक करा, यहाँ पर हम देखते हैं कलर, आपने देखा कि जो सेल का कलर है या फॉन्ट का कलर है हम उसके आधार पर इसको अलग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्लिक कलर चूज़ कर लिया फॉन्ट कलर, अब हम ओके करेंगे। तो ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी लड़कियां थी हमारी वो नीचे की तरफ इनके डेटा आ गए अपने आप और लड़कों के डेटा ऊपर आ गए। तो ये एक कंडीशनल सॉर्टिंग होती है जिसका काफ़ी फायदा होता है। जब आपके पास 10,000 5,000 डेटा हो तो उसमें आप बहुत सारे डेटा को अलग नहीं कर पाते हो आसानी से। तो एक्सेल में 1-2 मिनट के अंदर आप कोई भी काम, कितना भी बड़ा डेटा हो, उसको आसानी से आप इसमें कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इसमें और भी कमांड है, और भी हम देखते हैं सॉर्टिंग कैसे हो सकती है। जैसे हम इसको फिर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम फिर जाएंगे और यहाँ पे हम फिर कस्टम सॉर्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम सॉर्ट करना चाहते हैं मार्क्स के आधार पर, कि मार्क्स के आधार पर हम सॉर्ट करना चाहते हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स हों वो पहले आ जाएँ और जिनके कम मार्क्स हों बाद में। तो मार्क्स को हमने करा, वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ को हम वैल्यूज़ ही रखेंगे क्योंकि हमें फिल कलर ये कुछ नहीं देखना, हमें वैल्यूज़ ही करना है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे पहले छोटे मार्क्स आएँ और फिर बड़े मार्क्स यहाँ पे दिखाई दे। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहो उसके अनुसार आप कस्टम लिस्ट भी कर सकते हो मार्क्स अपने अकॉर्डिंग। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी हम इसमें कर सकते। तो हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिया और ओके कर दिया। जैसे हमने ओके किया आप देख रहे हैं कि जो हमारे मार्क्स थे, जिन बच्चों के सबसे कम मार्क्स थे उनके नाम पहले आ गए। जैसे 15 इसके मार्क्स थे मैथ्स में तो मोहित का नाम आ गया, 33 मार्क्स वाले का अंजलि आ गया। जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं देखो असेंडिंग हो रहा है, ये इंक्रीजिंग नंबर में दिखा रहा है, तो यहाँ से कम होता हुआ यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देख रहे हैं 90 के बाद 99 आया, तो रोहित के सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं 99 आया। तो आपने देखा कि एक्सेल के अंदर शॉर्टिंग कितना महत्वपूर्ण कमांड है और इसका सावधानी से हमें प्रयोग करना होता है। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि एक हम पहले से ही इसकी एक कॉपी सेव करके रखेंगे, जैसे मैंने रखी। अगर हमसे कोई गलती हो जाए और हमने अचानक इसको सेव कर दिया फाइल को, तो क्या होगा, हम इसको वापस ओरिजिनल फाइल को नहीं ला पाएंगे। तो ओरिजिनल फाइल को अलग सेव रखिए और असेंडिंग डिसेंडिंग जो आपको करना है, सॉर्टिंग करना है डाटा, उसके लिए अलग से एक फाइल बना लीजिए। अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो आपके पास ओरिजिनल फाइल पहले से पड़ी होगी। इसके साथ साथ कुछ लोग हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में काम करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा समस्या आ जाती है कि कोई भी जो आपके अंक होते हैं या नंबर्स होते हैं ये हिंदी में ना करें। अगर आपने इसको हिंदी फॉन्ट में, यहाँ पे हमने ले लिया हिंदी फॉन्ट में और उसमें हमने दशमलव लगा लिया, तो उससे क्या होगा, दशमलव अगर हमने इसको लगा दिया तो यहाँ पे देखें दशमलव की जगह ये कुछ और ले लेगा। तो दशमलव जीरो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो आप देखेंगे दशमलव ना होकर डैश आ रहा है, तो इसको वो सॉर्ट नहीं करेगा, हिंदी के अंकों को ये सॉर्ट नहीं करेगा। तो इससे हमें बचना चाहिए, हमें केवल अंग्रेजी के ही अंक का इस्तेमाल करना चाहिए सॉर्टिंग के लिए। तो आज की वीडियो से आपने सीखा कि हम कैसे अपने डाटा को अपनी ज़रूरत के अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम उस कार्य में निपुण हो सकते हैं। आने वाले वीडियो में फिर हम और नई चीज़ें सीखेंगे, तब के लिए धन्यवाद।